ஆர் இந்தியன்ஸ். வாட் லகா தேங்கே. तो दोस्तों पुरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसके लीड रोल में विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, रोनित रॉय और रम्या कृष्णन और अमेरिका के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन का कीमियो रोल है। तो आज हम बात करेंगे इसके दो दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फ्लॉप। तो फिल्म के रिलीज होने के बाद इसको दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आपको बता दें कि पहले ही दिन कमाई के मामले में इसने आमिर की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन को भी पीछे छोड़ दिया। 125 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म कल बॉक्स ऑफिस पर 2500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज की गई। सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इसने अपने ओपनिंग डे पे 25 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया और इस तरह तेलुगु में इसने धमाकेदार ओपनिंग ली। और इसका पहले दिन का हिंदी और तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख के आसपास का है और टोटल इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ से भी ज्यादा की ओपनिंग लेने में कामयाब रही। और अगर बात करें इसके आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म को मिले पॉजिटिव रिव्यू की वजह से इसके कलेक्शन में और भी ग्रोथ होगा और दो दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 45 से 50 करोड़ का हो सकता है। इस तरह बहुत जल्द अपने बजट से ज्यादा का कलेक्शन करेगी और हिट साबित हो जाएगी। और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती या नहीं बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।